हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और हम बात करने वाले हैं शहनाज की। और शहनाज की रातों की नींदें क्यों उड़ गई हैं ये सब मैं आपको बताने वाली हूं। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। फ्रेंड्स, आप जानते हैं शहनाज इज वेरी सेंसिटिव एंड बहुत इमोशनल लड़की है, जो कि आप पूरे बिग बॉस की जर्नी में उसको देखते हुए आए हैं। और अभी इन दिनों उसकी रातों की नींदें उड़ी हुई है, सिंपल रीजन बिकॉज ऑफ पापा। उनके पापा के ऊपर, यानी कि जो शहनाज के पिताजी हैं, उन पर रेप जैसे संगीन आरोप लगाए गए हैं। हालांकि वो सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। फिर भी चूंकि कानूनी चीजें हैं, चूंकि ये सब चीजें पुलिस केस में चली जाती है, इसलिए हम लोगों की या जर्नलिस्ट की टिप्पणी करना ठीक नहीं लगता है। लेकिन हाँ, शहनाज को देखकर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। रात को करीब 2 बजे के आसपास उसने एक वीडियो डाला है जिसमें अपने पिताजी के साथ उसके जितने भी मेमोरीज है उसने शेयर की है। और वो कार में बैठे हैं, उसके पापा उसका सेल्फी से कार चलाते हुए सेल्फी से उसे दिखा रहे कि हाउ फन शी इज डूइंग विद, उसके ब्रदर भी हैं शहबाज, शहनाज उनके साथ एक और शख्स बैठा हुआ है, वो सारी मस्तियां दिखा रही हैं। हालांकि मुझे थोड़ा सा टेंशन इस बात पे जरूर हुआ कि जब पिताजी उनके जो हैं वो गाड़ी चला रहे हैं तो क्यों सेल्फी का यूज करें, क्यों मोबाइल का यूज करें। एनीवेज, मुद्दा अभी ये है कि शहनाज इज रियली डिप्रेस, शी इज रियली फीलिंग वेरी लो बिकॉज ऑफ द पापा। आई होप ये जो भी है सिचुएशन, अगर जो भी बात है, पुलिस के जरिए, कानून के जरिए लोगों के सामने आए, ताकि शहनाज के जो फैंस हैं उनके दिल को शांति मिले और तसल्ली मिले। फ्रेंड्स, फिल्मी खिचड़ी में बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।